नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस द्वारा हुई बहुत बड़ी गड़बड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस के सेकंड रिजल्ट के बारे में, जो यूपी बोर्ड ने यहाँ पर जारी किया था 22 दिसंबर को। दोस्तों, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों का नंबर कट ऑफ से ज़्यादा होने के बाद भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। तो दोस्तों, यह गड़बड़ी कैसे हुई अभी इसका पता किसी को भी नहीं चल पाया है, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका यहाँ पर नंबर जो है वह कट ऑफ से भी बहुत अधिक है, लेकिन उनका यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि कुछ विद्यार्थी यहाँ पर लॉग इन करने के बाद उनका पर्सनल डिटेल दिखा रहा था, उनका रिजल्ट एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो कुछ लोगों का यहाँ पर नॉट अलाउ ही बता रहा था। तो आखिर दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है? दोस्तों, इस सभी घटनाओं के बाद जो कि विद्यार्थी हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर विरोध जताया है यूपी बोर्ड के लिए कि दोस्तों अब यूपी बोर्ड क्या डिसीजन ले, यह तो यूपी बोर्ड पर ही डिपेंड करता है कि भाई क्या डिसीजन लेगा। या तो दोस्तों यह रिजल्ट कैंसिल करेगा या रद्द करेगा, रद्द भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों क्या रद्द हो जाएगा तो क्या बारीकी से फिर से यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल भी होना संभव ही है, क्योंकि दोस्तों यदि ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके साथ अन्याय होगा। तो दोस्तों, यूपी प्लस का जो सेकेंड रिजल्ट है वह रद्द भी हो सकता है अभी, लेकिन इसका कन्फर्मेशन नहीं है कि होगा या नहीं, लेकिन रद्द होने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। दोस्तों, यदि यूपी बोर्ड का दूसरा रिजल्ट है रद्द हो जाएगा तो बहुत सारे विद्यार्थियों का यहाँ जीवन खतरे हो, जो खतरा मंडरा रहा है वह संभल जाएगा और बहुत सारे विद्यार्थियों की यहाँ पर किस्मत चमकने वाली है। तो दोस्तों, यह वीडियो अब होता है यहीं पर समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।